शहर में बाबा महाकाल के दर्शन को बढ़ते श्रद्धालु ऑटो होटल वालों की लूट का शिकार तो आए दिन होते थे, लेकिन अब हथियारों की नोक पर लूट जैसी घटनाएं होने लगी है। आज अल सुबह ऐसी एक घटना हुई जिसमें एक होटल के कमरों में रुके दो परिवारों को कट्टे और चाकू की नोक पर लूट लिया गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली और विदिशा के दो परिवारों के साथ यह घटना हुई। होटल के रूम नंबर 101 और 205 में रुके श्रद्धालुओं को चाकू और कट्टा अड़ाकर लूटा गया है। दिल्ली से आए श्रद्धालु के अनुसार सुबह 4 बजे किसी ने दरवाजा खटकाया और दरवाजा खुलते ही मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धालु ने कहा एक सोने की चैन, एक अंगूठी और कुल 19,000 रुपए नकद लेकर चले गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। ऐसी घटना होना शहर के लिए शर्मनाक है। पाँच बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदौर गेट पर कलश होटल है, वहाँ पर कुछ लोग आए हैं और यात्रियों के साथ में लूटपाट करके चले गए हैं। घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी है वहाँ का कर्मचारी पुदनन उनसे बात की तो उसने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर होटल में आए थे और होटल के दो कमरों में ठहरे हुए यात्रियों का सामान लेके चले गए हैं। उन यात्रियों से बात की तो उनमें से दो फैमिली हैं, एक दिल्ली की रहने वाली है और दूसरी फैमिली विदिशा की रहने वाली है और दोनों फैमिलियों के साथ में इस प्रकार की घटना कारित हुई है। पहली वाली फैमिली के पास से एक अंगूठी, एक चैन और लगभग 10,000 रुपये और दूसरी वाली फैमिली के साथ भी एक चैन और लगभग 9,000 रुपये, कुल मिला के लगभग दो चैन, अंगूठी और 20,000 के आसपास की लूट कारित की गई है। तत्कालीन पुलिस ने संज्ञान लिया है। अभी थाने स्तर पर कर्मचारी लगे हुए हैं, इसके अलावा साइबर टीम को भी हमने लगाया है। अभी लोकल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा इनका रेलवे स्टेशन से आना और रेलवे स्टेशन पर वापस जाना प्रमाणित हुआ है, तो अभी हम लोग आगे रेलवे से भी संपर्क करके वहाँ के कैमरों की भी जाँच कर रहे हैं। जल्दी ही इस घटना में संलिप्त लोगों का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। सर, किस तरह से आए थे इनने, किस तरह से मैनेजर को बता रहे हैं कट्टा वट्टा के लूट की? हाँ, जैसे कि अभी जो भी यहाँ पे मैनेजर है कुंदन जी, इनसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि इनके पास में एक कट्टा था, देसी कट्टा था और एक पर्सन के पास में एक चाकू था। उसके पास आके गन दिखा के उसको शांत रहने के लिए बोला और उसको अपने साथ में ले जाके यात्रियों के रूम खुलवाए और यात्रियों को भी बंदूक का डर दिखा के उनके साथ में घटना कारित की है। सर, हम सोए हुए थे, तीन बंदे आए, नकाब स्कार्फ बांध रखे थे उन्होंने, एक के हाथ में रिवॉल्वर थी और एक के हाथ में चक्कू और सोना 19,000 कैश और लड़के के गले से चैन तोड़ के और ले गए। अब कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए। कहाँ आए थे? महाकाल। कब आए आप? कल ही आए थे। कितने लोग आए हो? हम तीन लोग हैं। कितने का सामान आपको गया है? सामान करीब बहू का 70-80 हज़ार रुपये का। कौन सी होटल में रुके हैं आप? ये कृष्णा होटल है, कोई स्टेशन के पास ही, कलश होटल। क्या वो हम तो आए दर्शन करने के लिए, जो हो गया क्या करेंगे। हाँ, सुबह 4 बजे। कंप्लेंट